अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज अचानक प्रोग्राम टू हाले जी। तो आज की जो ब्लॉग का नाम है वो है अचानक प्रोग्राम टू हाले जी। अभी ऑफिस से आए, ऑफिस से आने के बाद जो है वो हमारे दोस्त हैं वाले भाई, उन्होंने अचानक कहा कि भाई हाले जी चलना है। तो नाइट करके आने के बाद भी जो है ना हाले जी का प्लान है। अभी फ्यूलिंग चल रही है, गाड़ी रिफ्यूल कर लूँ, रिफ्यूल करने के बाद इंशाल्लाह फिर हम चलते हैं हाले जी की तरफ। तो बाकी प्रोग्राम जो है वो हाले जी का रास्ते में देखते हैं, हाईवे पर चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा और कुछ नई नई चीज़ें भी आगे दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो रिफिलिंग हो चुकी है, चलते हैं फिर आगे की तरफ। इस वक्त हम एयरपोर्ट पर हैं, एयरपोर्ट से आगे निकलते हैं, ठीक है। फिलहाल भाई अभी पोर्ट कासिम क्रॉस कर लिया और अभी क्वेटा होटल पर हैं। चाय थोड़ी सी मैंने बोला सोचा पी लूँगे यार, अभी थोड़ा सा आँखों में आके खुल जाएँ, थोड़ा सेट हो जाऊँ। तो यहाँ पर कुछ और दोस्त हैं हमारे भाई लोग, यहाँ पर इन्होंने अभी इनको ज्वाइन करना था हमने, तो अभी इन्होंने किया, अब इनको हाले जी लेके जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि और आगे हम क्या कर सकते हैं। चलते हैं हाले जी की तरफ, चाय पी ली है, अब आगे सफ़र में मिलते हैं। खैर अभी देखें, आँखें तो नहीं खुली हैं, फिलहाल आगे आगे देखते हैं। ऐसा है कि भाई हाले जी का टर्न ये है, जैसे ही हम नेशनल से आएंगे फ्लाईवे से, उसके बाद ये टर्न है हमारे पास, अब यहाँ से जाएंगे सीधा हाले जी। ये बोर्ड लगे हुए निशानी है यहाँ पर, तो आगे चलते हैं, अब फर्दर मोड़ जो है आगे जाके मज़े करेंगे और वो रोड देखें। बहुत बस बन गया, बस फिर चलते हैं आगे। फाइनली एट हाले जी लेक, और ये आप हाले जी लेक देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं पिकनिक पर, अभी आगे देखते हैं, एंजॉय करते हैं, क्या क्या हो सकता है। सुबह हाले जी पहुंच गए हम लोग, हाले जी के बिल्कुल सामने ये इस तरह से इन्होंने रेस्ट हाउस बनाए। तो अब हम जाते हैं ज़रा रेस्ट हाउस के बारे में थोड़ा सा पता कर लें कि रेस्ट हाउस के कुछ रेंट वगैरह और जो भी यहाँ पे डिटेल है वो मैं आपको देता हूँ, ताकि कभी आप लोग आना चाहो फैमिली के साथ तो आपको ईजिली इन चीज़ों के बारे में बदल जाए। चलते हैं रेस्ट हाउस देखते हैं। ये रेस्ट हाउस का भाई दरवाज़ा, और चलते हैं हम पहले रेस्ट हाउस देखते हैं। ये रेस्ट हाउस है यहाँ, और ये इसके रूम है। इस तरह से इसके बहुत अच्छे डेकोरेटिव्स हैं, इन्होंने चीज़ें बहुत अच्छी से बनाई हुई, किचन वगैरह का बहुत अच्छा सा सेटअप है, और आई थिंक इसमें किचन का सेटअप है। और यहाँ से चलते हैं बाहर वापस। वापस जाने के बाद ये इसकी स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स में इसके बाद दिखा रहा हूँ आपको, पहले हम यहाँ चलते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से इन्होंने सेटअप किया हुआ है। ये हाले जी रेस्ट हाउस है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बना हुआ है फैमिलीज़ के लिए। और भाई ये आ गया सीन ऐसे, और जो है ना ये किचन, और साथ में हो गया ये, ये है बेडरूम इसका। तो ये बेडरूम है रेस्ट हाउस में, और जो है ना इस पे बस जो है वो देखते हैं कि भाई क्या है। तो मज़े का बेड तो ये है इसका बेड, और यहाँ पर लगी हुई है इसकी वो एलसीडी। तो इसके भी जो है वो बहुत चेयर्स बड़ी ज़बरदस्त हैं, आप देख रहे हो। तो अभी बैठ के देखते हैं, ज़रा काफ़ी कंफर्टेबल चेयर्स हैं, और कैसा लग रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा हूँ। तो काफ़ी कंफर्टेबल चेयर्स हैं, और जो है ना आगे देखते हैं, चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, वॉशरूम कैसा है। तो भाई वॉशरूम भी अच्छा है, वैसा ही बना हुआ है, बड़ा इजीली फैमिली के हिसाब से शावर वावर भी लगा हुआ है। तो और भाई ड्रेसिंग तो मैंने देखी नहीं, ये ड्रेसिंग भी लगी हुई है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अभी आप आओ फैमिली के साथ तो यहाँ पर ज़रूर स्टे करो, और चलते हैं अब ऊपर, और फिर अब बाद में इनसे डिटेल भी पूछ लेंगे कि इसके क्या रेंट वगैरह है, क्या चीज़ें रहने के लिए। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ये भाई आपका भाई जा रहा है ऊपर, स्टेयर्स अब ऊपर का नज़ारा देखेंगे हम। ऊपर का नज़ारा कैसा है, बहुत ही कोई यार ज़बरदस्त व्यू है भाई। ये सामने हाले जी नज़र आ रहा है, वो सामने जो है ना बाइक्स खड़ी हुई हमारी, और ऊपर भी है, और ऊपर अभी नहीं जा रहा, ऊपर भी सेम
सेम बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अब हम चलते हैं ऊपर टॉप पे, क्योंकि छत देखना भी जरूरी, और दिस इज द ब्यूटीफुल नज़ारा भाई। अब जो है ना, ये है टॉप का नज़ारा, ये है पूरे हाले जी। अब ये हो गया सीन पूरा टॉप है, तो बहुत खूबसूरत जगह। एक जो है ना बहुत ज़बरदस्त सा सीन ये है कि इन्होंने दिन में तो सोलर का बड़ा अच्छा सेटअप लगाया हुआ है। तो हमारे एक भाई हैं, इन्होंने बताया जो यहाँ पर इस वक्त जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं, सोलर का दिन में सेटअप इनका अच्छा लगा हुआ है। रात का सीन कुछ ऐसा है कि अगर रात में फैमिलीज यहाँ रुकती हैं तो ये जनरेटर की सर्विसेज अवेलेबल है, बट देयर इज़ एन कंडीशन। कंडीशन इनकी ये है कि आपको जो डीजल है ना वो इस जनरेटर का ख़ुद लाना पड़ेगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, इनके रेंट में इंक्लूड नहीं है। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, तो चलते हैं। और जो भी इसमें अच्छी चीज़ें मैं सब इनसे पूछ के आपको डिटेल करता हूँ, ताकि आप लोग ईजी हो जाए यहाँ पर आकर अपना इन्जॉय करना, अपनी पिकनिक पार्टी करना, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त। सर अस्सलाम वालेकुम गाइस, सीन ऐसा है कि यहाँ पर ये मैनेजर है मोहम्मद असलम। तो अब जो बाकी तो मैंने दिखा दिया आपको सब, कि ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ आएँ और यहाँ पर आके रुकें, स्टे करें, कोई ख़तरे की कोई ऐसी बात नहीं है। फर्दर मोर डिटेल्स जो है ना वो रेंट के हवाले से और जो जो फैसिलिटेशन यहाँ पर इनके पास हैं, जो ये फैसिलिटेट करेंगे आवाम को, वो ये ख़ुद बताएंगे। तो बताएं सर क्या क्या फैसिलिटेशन है आपके पास? ये हमारे एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ है, ये पूरा जो मोटेल है ये 12 कमरों पर ये मुश्तमिल है, और इसका रेंट है मॉर्निंग टू इवनिंग 7,000 रुपीज़। और यहाँ हमारे पास फैसिलिटीज़ है कोल्ड ड्रिंक की, चाय वगैरह की, ये हम सर्व करते हैं लोगों को, और बिला खौफ व ख़तर आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं। ओवरनाइट भी करना चाहें तो भी आप ओवरनाइट इसमें कर सकते हैं। ये लेक जो है ये 16 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर ये मुश्तमिल है, और ये बहुत अच्छा पुरसकून माहौल है यहाँ पर। मैं लोगों को इन्वाइट करूँगा कि दे शुड कम एंड विजिट द प्लेस। अच्छा, अगर लोग कैटरिंग वगैरह करवाना चाहें या फिर वो तमाम चीज़ें कैटरिंग के हवाले से, अगर हाँ कैटरिंग के लिए हम कर देते हैं इंतज़ाम, अगर आप हमें पहले से इन एडवांस हमें बताएं कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने लोग हैं, क्या आपका मेनू है, तो उसके मुताबिक हम अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी कैटरिंग वगैरह हम। अच्छा, ओवरनाइट के स्टे के हिसाब से मैंने ये देखा कि रात की लाइट और डीजल हमको जो भी रुकेंगे वो आपके रेंट में इंक्लूड नहीं है, वो सेल्फ अगर आप सेल्फ जनरेटर यूज़ करना चाहते हैं, या फिर अगर कोई बहुत बड़ा अगर ग्रुप हो, ज़्यादा बड़ा ग्रुप हो, तो फिर हम उसमें जनरेटर वगैरह चला कर आपको उसके हिसाब से। नॉर्मली अगर ये मॉर्निंग टू इवनिंग के लिए अगर चाहिए तो कितना रेंट होगा हमारे? एटलीस्ट ये मिनिमम इसका 6,000 रुपीज़ मॉर्निंग टू इवनिंग के लिए। ये सोलर बेस्ड रिजॉर्ट है, सोलर से हम आपको ये जो लाइट की फैसिलिटीज़ है ये सुबह से शाम प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज आपने सुन लिया, यहाँ पे आप इजीली आ सकते हो। 6,000 रुपीज़ कोई मायने रखते हैं, हम इतनी दूर दूर पिकनिक पे जाते हैं, कुछ नहीं रखते। यहाँ बहुत अच्छा है, अभी आप जब वीडियो में अपनी सारी चीज़ें देख ली होंगी, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। तो यहाँ तक हमारा जो है ना थम्स अप के साथ जो मीटअप है वो हो गया एंड। अब हम चलते हैं बाहर लेक की तरफ, कुछ लेक को भी थोड़े नज़ारे ले लें। हाँ तो गाइस, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है पीछे इतना बड़ा ज़बरदस्त डायनासोर्स पीछे वाला जो है वो बना हुआ है, और अभी हम चलते हैं अंदर। डायनासोर्स नहीं, यहाँ पे वो है क्रोकोडाइल। एक तो ये डायनासोर की स्पेलिंग बार बार जो है ना मुझसे मिस हो रही है। अब क्रोकोडाइल देखने चलते हैं अंदर कि अब क्रोकोडाइल कितने अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, ऐसे ही हैं, मतलब ज़िंदगी में तो बड़े क्रोकोडाइल हैं हमारे वैसे। और देख लेते हैं, हमारे तो लोगों की आस्तीनों में मतलब सांप वगैरह निकलते हैं, हमारे आस्तीनों में क्रोकोडाइल हैं। तो अभी चलते हैं अपने क्रोकोडाइल शोकोडाइल देखने, ठीक है? अरे ये रहे नज़र आ रहे हैं आपको? नहीं नज़र आ रहे, अभी दिखा रहे हैं। ये हैं क्रोकोडाइल भाई, अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो वो देखें, दो इतने बड़े बड़े जो है ना खूबसूरत से क्रोकोडाइल वहाँ पे बैठे हुए हैं, सॉरी सो रहे हैं। तो एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, मैं इसको दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ। अब सिलसिला ये है कि बताना बस ये है कि जो है ना यहाँ पे क्रोकोडाइल सच में है, तो शी स्लीपिंग आई थिंक। तो ये अता भी हसन भाई आपकी बात है, अभी और शी बना जाते हैं। सीन क्या, सीन ये है कि लोगों के आसीनों में ना सांप होते हैं, हमारे आसीनों में ये निकलते हैं जो सांप ने लेटा। एग्जाम्पल के तौर पर एक मैं दिखा रही हूँ। अच्छा, डिसाइड यू गाइस कैन डिसाइड कि भाई कौन है आसीन में, कौन है और वैसे कौन है। तो क्रोकोडाइल भी हैं यहाँ, आलेजी वाले झूठ नहीं बोलते, रिसोर्ट भी है, सब सही है, बट ये जिस तरीके से पड़ा हुआ है ना ये बहुत। चलो आगे चलो।